कॉल किया तो ये गई उनसे मिलने के लिए, और मिलने के लिए गई तो वहाँ पर दो चार मिल के, दो हो तीन हो जो भी हो, मिल के इनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। और ये जब विरोध की तब जो है इन पर बेरहमी से चाकू से वार किया गया, और इतना वार किया गया कि लगभग वो अपने समझ से इसको मतलब मार ही दिया, और मारने वाले लोग भाग गए, ये बेहोश वहीं। बिहार के बेगूसराय से सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, जहां रेप का विरोध करने पर बहसी दरिंदों ने एक लड़की के शरीर पर चाकू से प्रहार कर शरीर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी लड़की का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां वह अब भी बेहोश है और अस्पताल की बेड पर जीवन मौत से जूझ रही है। यह घटना जिले के डंडारी थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि नव वर्ष पर गिफ्ट देने के बहाने अज्ञात बदमाशों ने लड़की को घर से बुलाया। 10 मिनट बाद ही लड़की खून से लथपथ सड़क के बीच चौराहा पर मदद के लिए चीख रही थी। प्रीता के चीखते चिल्लाने की आवाज सुनकर सड़क से गुजरने वाले राहगीरों ने घर वाले को सूचना दी। स्थानीय लोग जब घटना स्थल पहुंचे तो क्राइम सीन देखकर लोगों के होश उड़ गए। प्रीता दर्द से कराहती सड़क पर पड़ी हुई थी। आनन फौरन में लोगों ने घायल को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया, जहां स्थिति को गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया। प्रीता की मां अपनी बेटी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली दुर्दशा देखकर फपक फपक कर रोते हुए बताया कि किसी ने मोबाइल से कॉल कर उसे घर से बाहर बुलाया, वो घटना को अंजाम दिया है। बगल में सखी रहे घर बगल में यहाँ विष्णु बहुत 5 मिनट गला होल हमें कल सखी यहाँ गल आई घर दनी चल गए जहाँ कॉल लग बस 10 मिनट में बस घायल कर गिरल रहे रोड पर। कैसे पता चला आपको कि गिरी हुई है? राही कोई जाए रहे ना तब एक तनी तनी बोलाए भले कल के भाई हम मर गए ये फलना के बेटी छिपी हम राजा की दोस्त तब जाके ले कहे ले तब यहाँ से गिर गए दौड़ल था पूरा रहे बेहोश कुछ हो से हम नहीं छे दा अब यो तक नहीं आ छे कुछ हो। कब की घटना है? इस साल कहिया 6 बजे से 6 बजे 7 बजे 7:15 तक घटना शनिवार का। हाँ शनिवार का 1 जनवरी को। 1 जनवरी का आइले ओ उसी के उपलक्ष में कोई बहाना बना कर वही से बहु है हन्ना बना। कहाँ की घटना है ये? किस गांव की? कौन गांव घटना है? सालपुर के। सहरपुर? सालपुर। कौन पंचायत पर है? थाना? थाना डंडारी। क्या नाम है बच्ची का? शोभा कुमार। पिता का नाम? पिताजी का नाम बोलिए। दिनेश माता। कितना उम्र है बच्ची का? 18 साल चल रहे हैं। बेटी हो। क्या नाम है आपका? तो जब गए घटना स्थल पर तो क्या देखे? देखे कि पूरा घोलटन है, पूरा एकदम बेहोश में है, पूरा एकदम ब्लड से पूरा दे दिया हुआ है, कि नहीं करते। क्या लगता है ब्लड काहे निकल रहा है? ब्लड पूरा इस निकले से इस देश पूरा देश ब्लड निकल। कौन चीज से मारा है? चक्कू से भुकने गया चक्कू से पूरा। किस लिए? यह कि चले हमारे साथ बेच जाती कर वो खराब काम कर वो कल के हम नहीं जी वो हम भागे लगले बस पकड़ के बस भोग में शुरू किया जबरदस्ती काम किया है वह नहीं तैयार हुआ बस वह खातिर इसको सबसे दे भोग खातिर सबसे दे गुजरी कर दल के चक्कू लग मारने लगले। कौन होगा वो लोग? वो लोग हम नहीं चिन्ह लिए कि नहीं देख लिए हम उड़िए। किस चीज़ से आया था? शरीर में कितने जगह मारा है चाकू? शरीर में 6 जगह शरीर में पूरा डोरी में नाभि में भी है। घटना की सूचना मिलते ही डंडारी थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करने के बाद बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है।
सर, जैसे कि जानकारी मिला है कि लगभग कल 1 जनवरी का टाइम था, तो कल इनको 6:30-7 बजे के आसपास किसी ने इनको अपने विश्वास में लेकर कॉल किया। तो हो सकता है पहले से बातचीत भी होता होगा, हो सकता है इनको कॉल किया तो ये गई उनसे मिलने के लिए, और मिलने के लिए गई तो वहाँ पर 2-3 मिल के इनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, और ये जब विरोध की तब जो है इन पर बेरहमी से चाकू से वार किया गया, और इतना वार किया गया कि लगभग वो अपने समझ से इसको मतलब मार ही दिया, और मारने वाले वो लोग भाग गए। ये बेहोश वहीं चौराहे पर पड़ी थी, तो कोई ग्रामीण लोग देखे हैं तब उठा उठा के लाए, तब जाके लगभग कितना जख्म है शरीर पर? जख्म लगभग 5-7 जगह जो है इसमें जख्म है, बुरी तरह से जख्म है, पेट में है, चेस्ट पर है और बाँह में भी है। किस चीज़ से हमला किया है? लग रहा है जैसे कि देखने से लग रहा है धारदार चाकू से किया है। कहाँ की घटना है? यह है सोहलपुर बांध पंचायत का 1 नंबर वार्ड पड़ता है, दंडारी प्रखंड, थाना भी दंडारी पड़ता है। पिताजी का नाम? दिनेश महतो। घर? सोहलपुर। आपके कौन है? हमारे चचेरे भाई लगेंगे, उनकी लड़की है। भतीजी? हाँ भतीजी। मन क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। पीएनबी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट।